Hello everyone, I'm Dr. Sonia Chandanani from Bombay Multi Speciality Hospital, Surat. मेरा स्पेशलाइजेशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है और इस कारण मेरे पास बहुत सारी ऐसी मॉमीज आती हैं जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं और जैसे ही हम लोग डिलीवरी करते हैं अब फर्स्ट एफर्ट इज कि बेबी मामा से तुरंत कनेक्ट करे. अगर मामा से बेबी तुरंत कनेक्ट करता है, मामा को छूते ही बेबी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं. मामा का हार्ट बीट बेबी को पता होता है इन द वूम ऑल्सो. सो एज सून एज द पीडियाट्रिशियन सेज ओके द बेबी शुड बी टेकन टू द मदर्स लैप और ब्रेस्ट एरिया एंड प्रॉपर लैचिंग शुड बी ट्राइड. जितना जल्दी ये एफर्ट डाला जाता है उतना ही जल्दी बेबी का रूटिंग सकिंग शुरू हो जाता है. रूटिंग यानी बेबी अपने आप निपल की तरफ अपना मुंह मोड़ सकता है. जहाँ निपल होगा बेबी उसी तरफ जा सकता है. और सकिंग यानी वो खुद ही काफ़ी सारा ब्रेस्ट का एरिया जो निपल के आसपास होता है काला भाग एरियोला उसे अपने आप अंदर ले सकता है. ये एक नेचुरल प्रक्रिया है. सभी मैमल्स यानी काउज बफेलोज गोट्स एवरी स्पीशी कैन डू इट. एज ह्यूमंस वी आर वेरी एंग्शियस और कई बार हमारे इतने सारे सवाल होते हैं जिसके कारण बेबी भी कन्फ्यूज हो रहा होता है. Whatever you think is having some kind of chemical change on the formulation of milk. जो mamas को twins होते हैं उनका breast का milk का composition एकदम अलग होता है. जो mamas seventh month में delivery करते हैं उनके babies preterm होते हैं, उन्हें ज़्यादा proteins की ज़रूरत होती है तो उनका chemical composition एकदम अलग होता है. आपका baby unique है, उसका body composition unique है and you are unique as a mom. So the mom-baby duo is very very unique in all aspects. अगर आपके दो deliveries हुए हैं उसमें भी दोनों का milk composition अलग हो सकता है. What is needed is कि जितना आपका breast size है उसके हिसाब से आप अपने baby को comfortably लें, किसी भी position में लेंगे baby immediately rooting कर सकता है. आप अगर खुद थोड़ा सा support करेंगे baby को rooting basic reflex है उसे पता चल जाता है और वो तुरंत वहाँ अपने आप अपना फेस लेकर जाता है. और आप थोड़ा सा और सपोर्ट करते हैं तो वो अंदर खुद सकिंग करना शुरू कर देते हैं. अगर आप कोई फिंगर जैसी चीज़ भी रखेंगे तो भी बेबी को सकिंग आता है. सकिंग रिफ्लेक्स के साथ ही वो बॉर्न होता है क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए कंपल्सरी रिफ्लेक्स है. विदाउट चेकिंग द सकिंग रिफ्लेक्स पीडियाट्रिशियन डजंट गिव द बेबी टू द मदर. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि बेबी ने तो सीखा है पर क्या आप मेंटली तैयार हैं. और इसके लिए ज़रूरी है कि सेवन्थ मंथ ऑनवर्ड्स आप अपने ब्रेस्ट का अच्छा केयर लें. कई बार निपल्स इन्वर्टेड होते हैं और इन्वर्टेड निपल्स होने के कारण आपको फीलिंग में इश्यूज आते हैं. कई बार निपल का साइज थोड़ा छोटा होता है उसे भी आप सेवन्थ मंथ ऑनवर्ड्स बनाने की तैयारी कर सकते हैं. हर मम्मा यूनिक होती है, हर निपल यूनिक होता है, लेकिन बेबी को जो ब्लैक पोर्शन है पूरा अगर आप पूरा का पूरा देंगे तो उसमें से जब प्रेस करेगा तो 15 to 20 डम्प्स में से मिल्क सेक्रेशन होता है. कई बार मिल्क सेक्रेशन आपको लगता है कि कम हो रहा है लेकिन वो बेबी के लिए सफिशिएंट होता है. फर्स्ट 3 डेज जो मिल्क आता है वो कोलोस्ट्रम होता है, वो पतला दूध होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और उसमें बहुत सारे अच्छे एंटीबॉडीज होते हैं. हम अपने ब्रेस्ट का केयर कैसे करें? हम हर महीने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक फिक्स डेट को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें. अगर उसमें कोई लंप लगे, निपल में कोई इश्यू लगे आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें. आपकी डिलीवरी हो गई है, बेबी आपके पास है तो भी डेली एक बार आपको अपना ब्रेस्ट चेक करना है. अगर उसमें कोई लंप लगता है, सूजन लगती है, दुखता है तो भी डॉक्टर से मिलना है. अगर दोनों ब्रेस्ट में अनइक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क आपको लगता है सीक्रेट हो रहा है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर की जाँच करा लें. कई बार कुछ दिन तक मिल्क प्रोडक्शन अलग होता है और बाद में मिल्क प्रोडक्शन अलग होता है. इट इज़ वेरी नॉर्मल. आप जो खा रहे हो, जैसे सोच रहे हो, जितना हैप्पी हो उसी हिसाब से मिल्क प्रोड्यूस होता है. ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉट ऑफ स्ट्रेस मीन्स जीरो मिल्क. सो स्ट्रेस इज जीरो, बेस्ट मिल्क प्रोडक्शन. यू हैव टू बैलेंस. बेबी के साथ आपका शेड्यूल बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, नींद नहीं हो रहा है, कई बार आपका न्यूट्रिशन टाइम पर नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल मिल्क में 90% आप इज वाटर. तो आपका वाटर इनटेक परफेक्ट हो, आप खुद प्रोटीन्स अच्छे से ले रहे हो, नेचुरल डाइट ले रहे हो, यू विल बी एबल टू सपोर्ट योर बेबी नेचुरली. ये एक सहज प्रक्रिया है.
इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेसरीज लाइक निपल शील्ड या बहुत सारे बेबी के लिए हम चीज़ें एडवाइस करते हैं कि बेबी चुप रहे, लेकिन दैट इज़ रॉन्ग। जस्ट बेबी को प्यार से अपने पास कैडल करें और बेबी अपने आप समझता है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बेबी भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर लर्न करता है। वो आपकी खुशबू को पहचानता है, आपके मिल्क के गंध को जानता है, और इसमें बहुत सारे उसे न केवल पॉजिटिव हॉर्मोन्स बल्कि न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। तो ही इज़ वेटिंग ईगरली कि आप कब उसे वापस गोद में लेंगे, इसलिए वो बहुत सारे टाइम क्रैंकी भी हो जाते हैं। बट ट्राई एंड डू इट एवरी 1.5 to 2 hours। डोंट कीप ऑन मेकिंग द बेबी फीड फॉर 1 hour 2 hours टुगेदर। मैक्सिमम 30 minutes तक आप पिलाएं, एक्चुअली 20 minutes में ही सफिशेंट मिल जाता है बेबी को, क्योंकि बेबी तो मामा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन अगर आप 1 hour तक फीडिंग करते हैं तो उसका साइकिल आप बिगाड़ देते हैं। यू शुड हैव अ साइक्लिक रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स इट कैन बी गिवन अर्लियर अगर बेबी ने सुसु पॉटी जल्दी कर दिया है तो। अंडरस्टैंड योर बेबीज इमोशंस एंड लव हिम द बेस्ट। हमें हर बार फीडिंग के बाद निपल क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर निपल ऑलरेडी क्लीन है तो उसे फिर से क्लीन करके फीड कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना नेचुरल रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। वी हैव कोकोनट्स विच आर रॉ एंड कोकोनट वाटर वेरीज फ्रॉम ईच कोकोनट डेली। तो इसी तरह से आपका भी ब्रेस्ट कभी एम्प्टी हो सकता है, कभी फुल हो सकता है, जैसा आपने न्यूट्रिशन लिया है, जैसा आपने रेस्ट लिया है, जैसा आपका थॉट प्रोसेस इमोशंस है, उसी तरह से आपके ब्रेस्ट में भी मिल्क कंटेंट कम ज़्यादा हो सकता है। प्लीज़ ट्राई एंड हैव द हेल्दीएस्ट फूड एंड गुड गैलेक्टोगॉक्स। गैलेक्टोगॉक्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे ब्रेस्ट मिल्क अच्छा होता है। तो उसमें जीरा है, अजवाइन है, सौंठ है, इंडियन हर्ब्स हैं। इंडियन किचन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे नेचुरली मिल्क मिलता है, जैसे गुड़ है, शिंगदाना चना है। इन सभी से मिल्क बहुत अच्छा आता है। आप इन चीज़ों का सेवन अच्छी तरह करें और अपने बेबी को बेस्ट मॉम का बेस्ट गिफ्ट यानी बेस्ट मिल्क कंफर्टेबली देते रहें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। रिसेंटली आई हैड अ मदर जिनके ट्विंस हुए थे। सडनली एक दिन से उनका फ़ोन आया कि अभी मुझे मिल्क नहीं आता। सडन रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल अंटिल यू हैव टेकन सम मेडिकेशन। सिमिलरली एक डॉक्टर मामा थे, वो कहते थे मेरे एक ब्रेस्ट में से मिल्क ही नहीं आता। इट इज़ पॉसिबल बट वेरी रेयर इन सम केसेस। इस तरह की कोई भी स्पेशल क्वेरीज हों आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। आई एम डॉक्टर सोनिया चंदनानी एट योर हेल्प with the Bombay Multi Speciality Hospital, and my pediatrician is one of the best, the kids doctor. You can connect to both of us for any breastfeeding and baby nutrition related queries. Thank you so much. Ma'am, एक ब्रेस्ट से कितने टाइम तक हम ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं? 20 मिनट्स से ज़्यादा एक साइड पर नहीं कराना चाहिए, बिकॉज़ वो एम्प्टी हो जाता है बेबी के सकलिंग से। और मैम कितने टाइम तक बेबी को बिना फीडिंग के रख सकते हैं? बेबी शुड बी फेड 1.5 to 2 hours पे, बट कई बार बेबी ने अच्छे से फीड लिया और वो सो रहा है, आप जगा रहे हैं तो भी नहीं, तो मैक्सिमम 3 hours। बट आइडियल वुड बी 1.5 to 2 hours। हालांकि हर बेबी का साइकिल अलग होता है, उसका ग्रोथ रेट के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होती है। मैम आजकल कंगारू केयर बहुत चल रहा है, कंगारू केयर क्या है और उससे क्या बेनिफिट क्या है? कंगारू का आपने देखा होगा एक थैली जैसे होता है फ्रंट वाले पार्ट में, तो उनके बेबीज को ना वो लोग अंदर रख के और फिर दौड़ते हैं। देखिए रनिंग ऑस्ट्रेलिया में अब तो उनको बेबी को ले जाने के लिए एक बैग कुदरत ने उन्हें दिया हुआ। तो कंगारू में जो केयर मिलती है, बेबी और ममा एक दूसरे के टच में रहते हैं। तो जो भी बेबी बॉर्न होता है, अगर वो ममा या पापा के या किसी के भी जो उनका नर्चरिंग कर रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट से टच में रहते हैं, तो उनको अच्छा टेम्परेचर, अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर गंध, साथ ही साथ आपसे जुड़ने की क्षमता मिलती है। कंगारू मदर केयर यानी कंगारू की तरह जो कंगारू की माँ उसको केयर देती है उस तरीके से। पहले के ज़माने में बच्चों को पालने के लिए बहुत ही सुलभ और नेचुरल तरीके थे। आजकल वर्किंग मॉमीज हैं, दे आर बिजी,
तो कहीं वो भूल ना जाए ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके ना दे दें, या केवल टॉप मिल्क ना दें, केवल फॉर्मूला मिल्क ना दें, या बेबी को नानी के हवाले छोड़कर ना निकल जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसे बहुत प्यार से आप अपने पास रखें। और दिस इज़ कंगारू मदर केयर, स्पेशली प्री मैच्योर बेबीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो बेबीज़ को इस तरह का केयर मिलता है उनकी रिकवरी NICU में भी बहुत अच्छी होती है। मैम, वर्किंग वुमेन से याद आया कि वर्किंग वुमेन प्रॉपर केयर नहीं दे पाते अपने बेबी को, उसके लिए क्या हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं? आई एम ऑल्सो वर्किंग मदर, आई हैव टू बेबीज। व्हाट यू कैन डू एज अ वर्किंग मदर इज कि जितना भी पॉसिबल है आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सट्रैक्ट करके आए। बहुत सारे ऑफिस में ऐसे हमारे यहाँ पे भी है, वी हैव ब्रेस्ट फीडिंग रूम्स अवेलेबल फॉर ऑल ओवर लेडीज। जो ममाज आते हैं जॉब पर उनके बेबीज़ को लेकर, बाद में रिलेटिव्स आते हैं, कई बार वी हैव द फैसिलिटी कि आप बेबी भी साथ में ड्यूटी पर ला सकते हो। तो बेबी और मामा का सेपरेशन नहीं होता वर्किंग आवर्स में। 8 आवर्स का जो वर्किंग शेड्यूल है उसमें आप 2 से 3 बार बेबी को ड्यूरिंग वर्क प्लेस भी फीड करा सकते हो। कुछ मामाज ऐसे पसंद करते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क निकाल कर आए, फिर एक बार टॉप मिल्क दिया, फिर लंच में घर गए। सो आई हैव अ लेडी हु गोज होम फॉर 2 आवर्स ड्यूरिंग द लंच आवर्स। So it's a different kind of proposition depending on the distance between your baby's location and your office location. अभी तो work at home भी काफ़ी possible है, तो different ways, but you can extract your milk, keep it at room temperature for few hours in a hygienic container, don't keep it in the fridge. अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आप refrigerator में रख सकते हैं, पर उस milk को boil करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज से निकालें जितना ज़रूरी है उतना milk, और उसे room temperature पर ला कर बेबी को कोई भी घर में फीड कर सकता है। ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग बॉटल्स, गिव इट इन अ हाइजेनिक कंटेनर एंड बेबीज आर वेरी हैप्पी। ममा का मिल्क अगर उन्हें ममा के एब्सेंस में भी मिलता है तो भी उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और जब भी बेबी आपको मिले, आप वर्क प्लेस से जाते हैं तो आप उसे डेफिनेटली हग करें, कडल करें, दैट इज़ कंगारू मदर केयर। सो आपके एब्सेंस को भी वो बच्चा कवर अप कर लेगा।